भगवान शिव, जिन्हें देवों का देव महादेव भी कहा जाता है, उनका सावन मास से विशेष संबंध है। यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसी महीने में हरेला पर्व भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों का देव महादेव माना जाता है। वे विनाश और सृजन के देवता हैं और प्रकृति के सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हरेला पर्व, जो हरियाली और पुनर्जीवन का प्रतीक है, भगवान शिव के इस स्वरूप से जुड़ा हुआ है। सावन मास भगवान शिव का प्रिय मास माना जाता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। हरेला पर्व, जो सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव को प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। वे हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर विराजमान रहते हैं और गंगा नदी उनके मस्तक से निकलती है। हरेला पर्व, जो पृथ्वी की हरियाली और उर्वरता का उत्सव है, भगवान शिव के इस प्रकृति प्रेम से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव को खेतीबाड़ी का देवता भी माना जाता है। वे वर्षा और उर्वरता के देवता हैं और किसानों को अच्छी फसल प्रदान करते हैं। हरेला पर्व, जो नई फसलों की शुरुआत का प्रतीक है, भगवान शिव के इस कृषि देवता रूप से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव को उत्तराखंड का देवता माना जाता है। वे गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम में विराजमान है और केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों से जुड़े हैं। हरेला पर्व, जो उत्तराखंड का प्रमुख पर्व है, भगवान शिव के इस देव भूमि से संबंध को दर्शाता है। हरेला पर्व केवल प्रकृति और हरियाली का उत्सव ही नहीं है, बल्कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भी प्रतीक है। यह पर्व हमें भगवान शिव के प्रकृति प्रेम, कृषि देवता रूप और उत्तराखंड के देवता होने की याद दिलाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।